एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ पाइनएप्पल केक की रेसिपी। एंड ये जो रेसिपी है ये मैं आपको गेहूं के आटे से बनाना सिखाऊंगी और मैं इसे गैस पे बनाऊंगी बिना ओवन के। इस केक की जो डेकोरेशन होगी वो बहुत ही इजी होगी, बिगिनर्स के लिए भी बहुत ही इजी होगी एंड अगर ये बच्चे भी बनाना चाहे तो उनके लिए भी बहुत ही इजी होगी। तो आप इस केक की रेसिपी को ज़रूर देखिए लास्ट तक, आपको बहुत पसंद आएगी। ये बिल्कुल यूनिक से डेकोरेशन आइडियाज़ हैं, मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। पाइनएप्पल केक का बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पानी लिया है 1/3 कप और उसमें मैं शुगर डाल दूंगी 1/3 कप और उसमें से मैं 1 टेबलस्पून निकाल लूंगी और इसे मैं अच्छे से डिसॉल्व कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से डिसॉल्व कर दिया है। अब मैं इसमें केक जेल डालूंगी 1 टीस्पून और इसे मैं विस्क की हेल्प से अच्छे से मिक्स करूंगी जब तक कि ये फ्रॉदी ना हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा यूज़ किया है, तो मैंने यहाँ पे 1/3 कप प्लस 3 टेबलस्पून गेहूं का आटा डाला है और अब मैं इसमें मिल्क पाउडर डालूंगी 2 टेबलस्पून और अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून और इसमें मैं बेकिंग सोडा डालूंगी 1 पिंच और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी जब तक कि लंपटी और स्मूथ सा बैटर ना बन जाए। और उसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून पाइनएप्पल एसेंस डालूंगी। तो आप जो भी फ्लेवर का केक बना रहे हैं आप उसमें एसेंस डाल सकते हैं। उसके बाद मैं स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छे मिक्स करूंगी। उसके बाद मैं इसमें ऑयल डालूंगी 1 टेबलस्पून और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी स्पैचुला की हेल्प से। एंड आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी ये रिबन कंसिस्टेंसी के, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है। तो अब मैं इस बैटर को केक टिन में पोर कर दूंगी, अच्छे से टैप कर दूंगी, इसके सारे एयर बबल्स निकाल दूंगी और उसके बाद मैं इसे प्री हीटेड कढ़ाई में डालूंगी। तो मैंने यहाँ पे प्री हीट 10 मिनट पहले कर लिया था लो फ्लेम पे। उसके बाद मैं एक बैटर को इसमें डाल दूंगी और मैं इसे अच्छे से लिड से कवर कर दूंगी और इसे मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे 45-50 मिनट्स के लिए बेक करूंगी। आप चाहे तो ओवन में भी बेक कर सकते हैं 180 डिग्री टेम्परेचर पे फॉर 25 मिनट्स। तो 45 मिनट्स हो चुके हैं तो अब चलती हूँ मैं इसे चेक करूँगी। तो पहले मैंने इसका लेड हटाया, उसके बाद मैं इसमें टूथपिक क्लिक करके देखूँगी एंड आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टीम बाहर आया है। तो मैं गैस ऑफ कर दूँगी और इसे मैं अच्छे से ठंडे होने के लिए रख दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा फूला है। तो अब इसे ठंडे होने के बाद मैं इसका लेयरिंग करूँगी, तो मैं इसे 3 लेयर्स में कट करूँगी एंड आप देख सकते हैं इसका लेयर्स पर कितना अच्छा निकला है। और लेयर्स कट करने के बाद अब मैं व्हिपिंग क्रीम को बीट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप व्हिपिंग क्रीम लिया था, मैंने इसे स्टिप पिक्स होने तक अच्छे से बीट कर लिया है और अब मैं इसमें पाइनएप्पल क्रश डालूंगी। तो मैंने यहाँ पे 3-4 टेबलस्पून तक पाइनएप्पल क्रश यूज़ किया है। उसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे 1/4 कप वाटर लूँगी, उसमें मैं 1 टेबलस्पून पाइनएप्पल क्रश डालूँगी और इससे मैं पाइनएप्पल सिरप बना लूँगी। आप चाहे तो शुगर सिरप उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। और इसे अच्छे से सोक करने के बाद मैं इस पर क्रीम स्प्रेड करने के बाद मैं इस पर 1 टेबलस्पून पाइनएप्पल क्रश डालूंगी, इसे भी मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। उसके बाद मैं इस पर फ्रेश चॉप पाइनएप्पल्स डालूंगी जिससे कि इसमें एक अच्छा सा क्रंच आए। और इसे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद मैं इस पर हल्की सी क्रीम लगाऊंगी जिससे कि हमें आसानी हो अगले लेयर को इस पर प्लेट करने में और ये ज़्यादा रोटेट ना करे। तो उसके बाद मैं इसे अगेन फिर से सेम प्रोसेस करूँगी, पहले मैं इसे अच्छे से सोक करूँगी, देन मैं क्रीम की अच्छे से लेयर लगाऊंगी और उसके ऊपर अबकी हुई फ्रेश पाइनएप्पल्स डाल दूँगी और मैं इस पर रखूँगी अपने केक की लास्ट लेयर और इसे भी मैं अच्छे से सोक कर दूँगी और इसे भी मैं अच्छे से क्रीम से कोट कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे क्रम कोटिंग कर रही हूँ पहले, तो मैं पैलेट नाइफ की हेल्प से अच्छे से क्रम कोटिंग करूँगी। तब देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से क्रम कोट कर दिया है। तो इसे क्रम कोट करने के बाद मैं इसे रेफ्रिजरेटर में आधे घंटे के लिए रख दूंगी और उसके बाद मैं इसे फाइनल लेयरिंग करूंगी। तो मैंने पाइपिंग बैग में यह क्रीम फिल कर लिया था, पैलेट नाइफ से हल्के से अच्छे से स्मूथ करूंगी और इसमें अच्छा सा स्मूदनिंग लाने के लिए मैं यहाँ पे स्क्रैपर से यूज़ करूँगी और उसके बाद मैं इसके एजेस को अच्छे से स्मूथ कर दूँगी। तब देख सकते हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल क्रश लिया, इसमें मैंने 2-3 टेबलस्पून न्यूट्रल जेल मिलाया है और उसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और 1-2 ड्रॉप ब्लू फूड कलर डालूंगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स करके साइड रख दूंगी।
और उसके बाद मैं यहाँ पे केक के टॉप पे न्यूट्रल जेल डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून और इसे मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी केक में एक अच्छा सा डिजाइन बनाने के लिए। इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे थ्रेड का यूज किया है और इस और एक प्लेट में मैं ब्लू कलर और येलो कलर एक ड्रॉप डाल दूंगी और उसके बाद मैं येलो कलर में उसी थ्रेड को अच्छे से डिप करूंगी और उस थ्रेड को मैं कलर कर दूंगी। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे मैंने टूथपिक की हेल्प से इसे अच्छे से किया है जिससे कि मेरे हाथ गंदे ना हो, तो आप हाथों की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो अब उस थ्रेड को मैं न्यूट्रल जेल जहाँ पे मैंने लगाया था उसके ऊपर मैं अच्छे से इसे प्लेस करूंगी वीडियो में दिखाए गए तरीके से और मैं अच्छे से इसे प्लेस करने के बाद खींच दूंगी उसी और सेम प्रोसेस से मैं ब्लू कलर से भी इसे कोट करूंगी। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने इसे अच्छे से प्लेस किया है, उसके बाद बस मैं इसे खींच दूंगी और देख सकते कितना सुंदर सा डिजाइन बन के तैयार हो गया। तो मैंने ब्लू और येलो को भी मिक्स किया तो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर बन चुका है। तो अब इसे भी मैं अच्छे से कोट कर लूंगी और इससे मैं ग्रीन कलर का फ्लावर बना लूंगी। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो मैंने हर जगह सेम प्रोसेस किया, मैंने थ्रेड को अच्छे से स्प्रेड किया और उसे मैंने खींच दिया और इससे बहुत सुंदर सा एक डिजाइन बनकर तैयार हो गया। और सेम प्रोसेस से मैंने रेड के साथ भी किया। अब मैंने जो पहले मिक्स किया था उसे मैं पाइपिंग बैग में फिल कर लूंगी और इसे मैं अच्छे से ड्रिप बना लूंगी जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब देख सकते हैं ऊपर में हल्का खाली स्पेस लग रहा था, मैंने स्टार नोजल में क्रीम फिल कर लिया था और उससे मैं यहाँ पे डिजाइन बना रही हूँ और सेम डिजाइन मैं नीचे भी बना लूंगी जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे सेम नोजल से। और मैंने सेम नोजल से इस डिजाइन को बनाया और आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर सा केक बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आपने देखा ये कितना आसान है इसे डेकोरेट करना, ये कोई भी कर सकता है चाहे वो बिगनर हो या चाहे वो बच्चे हो, ये सभी के लिए बहुत ही आसान है। आप भी ज़रूर ट्राई करें इस केक डेकोरेशन को, ये बहुत ही यूनिक सा डेकोरेशन है। अभी मैं आपको इस केक को कट करके दिखाती हूँ। तो ये केक मैंने घर के लिए बनाया था इसलिए मैं आपको केक कट करके दिखा रही हूँ इसके लेयर्स को। तो आप देख सकते हैं इसके लेयर्स कितने अच्छे आए हैं, सब कुछ बहुत ही इवन सा है बहुत, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी था, सबको बहुत पसंद आया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर आपको ये अच्छी लगे पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, हैप्पी बेकिंग। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।